नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे, और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640। आपको इस चैनल के थ्रू सोशियोलॉजी संबंधित 1-टू-1 वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, और आप इसके अलावा कोई भी क्वेरीज़ हो आपके इससे रिलेटेड, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे। और इसके साथ साथ आप कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक देते रहिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, ये सब सारी चीज़ें। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत तो सामाजिक स्तरीकरण के बारे पढ़ेंगे, जो हमारा यूनिट नंबर वन का थर्ड पॉइंट है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने कानून और विधि के बारे में बताया था, वो कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि कुछ बहुत सारे हमने क्वेश्चंस पेपर पीछे मीन्स प्लेलिस्ट में मैंने रखे हैं, तो आप जाकर वहाँ पे वो पिछले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, लेकिन वो पिछले एग्ज़ाम को ही रिलेटेड करके नहीं है, वो क्वेश्चंस पेपर जो ऑलरेडी नेट के पेपर में आ चुके हैं उसका डिस्क्रिप्शंस है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराया नहीं गया है, क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ साथ उसमें डिस्क्रिप्शंस भी दिए गए हैं, तो आप केयरफुली ध्यान से सुनिए और आप जाके वहाँ पीछे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है पूरा, तो वो पुराना नहीं हो गया है, भले ही पुरानी एग्ज़ाम के लिए था, ठीक। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन था, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से, पूरा सारे मैक्सिमम पेपर के पढ़े हैं, कुछ पेपर के बचे हुए हैं, कुछ क्या काफ़ी बचे हुए हैं, 2-3 पेपर का मैं बना पाया था बस उसमें, ठीक है। तो एग्ज़ाम के नज़दीक तक मैं ट्राई करूँगा कि और भी जो पेपर होंगे उसका भी मैं आपको दे दूँगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। और सामाजिक स्तरीकरण, तो सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है सिंपली अगर आपसे पूछा जाए, तो सामाजिक यानी समाज, तो समाज और स्तरीकरण, करण जानते यहाँ पे लग जाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज का क्या हो जाए, स्तरों में क्या हो, विभाजन हो, ठीक है। तो जिसका शाब्दिक अर्थ समाज का स्तरों में विभाजन, तो ये क्या कहलाएगा, सामाजिक स्तरीकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ समाज का स्तरों में विभाजन। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ और भी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, पूछता है कि प्राचीन समाज में क्या स्तरीकरण का जो मूल तत्व था, क्या वो पहले था? तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो स्तरीकरण है, स्तरीकरण का जो मूल रूप है, मूल रूप क्या है, वो विभेदीकरण है, यानी विभेदीकरण के ही फलस्वरूप स्तरीकरण क्या हुआ, उत्पत्ति हुई स्तरीकरण की। क्यों, मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि विभेदीकरण का यहाँ पे क्या होता है, ये भी सेम वही चीज़ है कि समाज का विभेद होना, स्तरों में विभेद होना समाज का विभेद, लेकिन दो अब बात आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है विभेदीकरण और स्तरीकरण में, तो दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों में समाज का स्तरों में विभाजन होता है, दोनों में विभेदीकरण होता है, लेकिन वो विभेद विभेदीकरण में सिर्फ विभेद है, लेकिन स्तरीकरण में जब ये विभेदीकरण होता है तो ये इसमें असमानता का तत्व उत्पन्न, इसमें असमानता का तत्व से विद्वान होता है। फिर से ध्यान देखिए, यहाँ पे मैंने काफ़ी गंदा कर दिया है, इसको मैं इरेज करके फिर से आपको मैं समझा देना। मेरा ये मतलब है कि सामाजिक स्तरीकरण का मूल जो रूप है वो है विभेदीकरण। क्या मैंने बताया, मैंने बताया विभेदीकरण। अब विभेदीकरण में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, समाज स्तरों में विभाजित होता है, और सामाजिक स्तरीकरण भी क्या होता है, इसमें भी समाज क्या होता है, स्तरों में विभाजन होता है, दोनों होता है, लेकिन विभेदीकरण में सिर्फ स्तर में ही विभाजन होता है, लेकिन केवल आप ध्यान रखिए, केवल इसमें विभाजन होता है स्तर में विभाजन, लेकिन स्तरीकरण जब आता है कॉन्सेप्ट इसी के जस्ट बाद, तो स्तरीकरण में क्या होता है, ये विभाजन होगा लेकिन असमानता का तत्व इसमें क्या हो जाता है, विद्यमान होता है, असमानता यानी ऊंच नीच। जब अब फिर से सुन लीजिए, जब समाज में स्तरीकरण में अब आ जाते हैं, विभेदीकरण स्तरीकरण में, आई होप समझ में आ गया होगा अंतर, असमानता का तत्व इसमें विद्वान हो जाता है सामाजिक स्तरीकरण में। अब सुन लीजिए स्तरीकरण डेफिनेशन, जब समाज में
जब समाज स्तर में विभाजित हो और विभाजित होने के साथ उसमें ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो, ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो, तब वो विभाजन क्या कहलाएगा? सामाजिक स्तरीकरण। और केवल विभाजन हो, ऊंच नीच के आधार पर नहीं, केवल विभाजन हो, तो वो कहलाएगा सामाजिक विभेदीकरण। अब ये ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी यहाँ क्वेश्चन आता है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रभाव पड़ता है उस पर, सामाजिक विभेदीकरण पर, या विभेदीकरण का प्रभाव पड़ता है सामाजिक स्तरीकरण, यानी पहले कौन आया? तो सामाजिक विभेदीकरण पहले आया, फिर उसके बाद सामाजिक स्तरीकरण। आयो समझ आ गया होगा। चलिए तो हम लोग अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, फिर जो भी डाउट होगा उसे आप फिर से पूछिएगा। तो मैंने कहा इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? समाज का स्तरों में विभाजन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों के समूहों को पद प्रतिष्ठा शक्ति की मात्रा में विभिन्न श्रेणियों में ऊंच नीच के स्तरों में विभाजित करते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, किस प्रक्रिया के अंतर्गत? सामाजिक स्तरीकरण। यह विभेदीकरण का परिणाम है। देखिए मैं अभी जैसे बोला था ना कि पहले विभेदीकरण आया, उसके बाद रिजल्ट एज अ सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक स्तरीकरण का दो मुख्य उदाहरण है जिसमें जिसके अकॉर्डिंग आप अच्छे तरीके से सामाजिक स्तरीकरण को समझ सकते हो। तो जाति व्यवस्था कास्ट और वर्ग व्यवस्था क्लास। तो जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था, क्लास और कास्ट। जाति व्यवस्था समाज, किस समाज की विशेषता है? प्राचीन समाज की विशेषता है, जबकि वर्ग व्यवस्था आधुनिक समाज की विशेषता है। दोनों के अंतर्गत आप अच्छे से सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप को देख सकते हो। आप देख रहे थे जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था को मैं एक पॉइंट लेके समझा देता हूँ। आप देखते हो जाति व्यवस्था, जिस व्यवस्था के अंतर्गत जाति के आधार पर लोगों का विभाजन होता है ऊंच नीचता के आधार पर, ठीक है। आप देखते हो चार वर्ग होते हैं मुख्यतः चार वर्ग कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये शूद्रा, ठीक है। तो ये जाति व्यवस्था में ऊंच नीच के आधार पर लोगों का विभाजन है। उसके साथ साथ वर्ग व्यवस्था, तो वर्ग व्यवस्था भी आधुनिक समाज की विशेषता है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ जाति के आधार पर ये था, यहाँ पे ये योग्यता और कुशलता के आधार पर लोगों का विभाजन होता है। यहाँ पर ऊंच नीचता भी होती है, लेकिन पद और योग्यता के आधार पर ऊंच नीचता होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ऊंच नीचता है, यहाँ पर भी स्तरों का विभाजन है, लेकिन यहाँ पर योग्यता और कुशलता के आधार पर, यहाँ पर जाति के आधार पर। यहाँ आप लिख सकते हो कि ये है जाति के आधार पर और ये है योग्यता और कुशलता। मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूँ, ये है योग्यता और कुशलता के आधार पर। हाँ, तो मैंने कहा ये है योग्यता व कुशलता के आधार पर, ठीक। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसमें अब पार्सन्स के अनुसार थोड़ा हम जान लेते हैं कि पार्सन्स महोदय ने किस प्रकार इसे समझाया है। थोड़ा इसको बोल दें, हाँ, तो पार्सन्स ने कैसे बताया सामाजिक स्तरीकरण को? तो इन्होंने बताया कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था, हम देखिए सोशल सिस्टम आ गया ना, सोशल सिस्टम की बात करते हैं, में व्यक्तियों का ऊंच नीच के क्रम विन्यास में विभाजन होता है, इसे क्या कहलाते हैं? इसे क्या कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण। इन्होंने कुछ सामाजिक स्तरीकरण के आधार जान लेते हैं दो संदर्भों में। एक प्रदत्त आधारित प्राणी शास्त्रीय आधार होता है, दूसरा होता है अर्जित या सामाजिक सांस्कृतिक आधार। प्रदत्त प्राचीन समाज की विशेषता है और इसे आधुनिक समाज के संदर्भ में आप समझ सकते हो। तो प्राचीन समाज, यहाँ पे आप देखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो प्राणी शास्त्री और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, सामाजिक स्तरीकरण के, तो प्राणी शास्त्री इसी को प्रदत्त बोल, प्रदत्त यानी जो व्यक्ति के प्रयास से नहीं बल्कि बिना प्रयास से व्यक्ति को प्राप्त हो पद, जो वह पद जो व्यक्ति को विदाउट प्रयास के प्राप्त हो जाए, वो स्तर क्या कहलाता है? प्रदत्त स्तर का आधार, वो आधार प्रदत्त कहलाएगा या प्राणी शास्त्र। इसमें कौन कौन से आधार है थोड़ा जान लेते हैं। लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक कुशलता, ये आपको डायरेक्टली ऐसे रट लेना है और समझ सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। आप वर्ड को आप अवलोकन करिएगा अपने मन में, अपने आप याद हो जाएगा। उसके साथ
और नेक्स्ट है हमारा आधार अर्जित या सामाजिक सांस्कृतिक आधार, तो ये संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक शक्ति, ये सब सारे क्या है, ये सब व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है तब व्यक्ति को क्या होता है ये प्राप्त होता है। तो इसमें अर्जित, अर्जित में क्या होता है अर्जन होता है, तो व्यक्ति को अर्जित करना पड़ता है तब ये स्थिति या पद व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। हम इसके प्रकार जान लेते हैं स्थिरीकरण के। स्थिरीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं, तो दो मुख्य हैं, एक बंद स्थिरीकरण और दूसरा खुला स्थिरीकरण। बंद स्थिरीकरण किस प्रकार के समाज के, किस प्रकार के आधार की विशेषता है, ये प्रदत्त होता है, प्रदत्त अभी मैंने बताया था ना प्रदत्त, और खुला ये होता है प्रदत्त के साथ साथ ये होता है अर्जित। तो जाति 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 व्यवस्था जो किसकी विशेषता है, बंद स्थिरीकरण और खुला स्थिरीकरण, वर्ग व्यवस्था का, ठीक है, उसमें योग्यता और कुशलता था, देखिए सेम वही मैंने लिखा है जो मैंने वहां पे बोला था। तो खुला स्थिरीकरण के अंतर्गत इसमें योग्यता और कुशलता के आधार पर यह स्थिरीकरण होता है, और यहाँ पर जन्म के आधार पर। तो ये बंद स्थिरीकरण यानी जन्म के आधार पर जो व्यक्ति को स्थिति या परिस्थिति प्राप्त हो गई वो व्यक्ति को, वो चेंजेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो चेंजेबल है। अगर कोई गरीब भी है फिर भी वो अपनी योग्यता कुशलता से पढ़ लिख कर अच्छे से वो एक बड़ा आदमी बन सकता है, ये यहाँ पे विशेषता है खुले समाज की विशेषता, अर्जित प्रदत्त आधार की विशेषता है, राइट। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जान लेते हैं सामाजिक स्थिरीकरण की। तो इसमें विशेषता क्या है, प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक है, यानी ये समाज और संस्कृति के आधार पर ही इसका एक कहेंगे कि आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है स्थिरीकरण का। उसके साथ साथ ये संघर्ष का परिणाम, संघर्ष का परिणाम क्या होता है, जब संघर्ष होता है संघर्ष परिणाम शक्ति, धन और प्रतिष्ठा के आधार पर, उसके साथ साथ प्रत्येक समाज में विद्यमान होता है, यानी कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो इससे क्या हो अछूता हो, सारे समाज इससे अफेक्टेड होते हैं। इसके साथ इसमें गतिशीलता भी होती है, ठीक है, आप देखे थे स्थिरीकरण में गतिशीलता का भी भाव उत्पन्न होता है, और खास करके खुला अर्थ, खुला व्यवस्था में, खुला स्थिरीकरण। आइए आगे चलते हैं, कुछ सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, सिद्धांत के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सिद्धांत, सिद्धांत में हम कुछ जानेंगे, देखिए तीन महत्वपूर्ण हम सिद्धांत जानेंगे। पहला, तीन मुख्य सिद्धांत है ही हैं, तीन मुख्य सिद्धांत कौन से, एक प्रकार्यवादी सिद्धांत होता है, फंक्शनल थियोरी, देखिए यहाँ पे बहुत डार्क हो गया है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ आपको असुविधा नहीं होने पाएगी। तो प्रकार्यवादी सिद्धांत, एक फंक्शनल होता है सिद्धांत, दूसरा होता है संघर्षवादी सिद्धांत, और तीसरा होता है चक्रीय सिद्धांत, ठीक है, तो ध्यान रखी गई चीज, तीन मुख्य सिद्धांत है, तीनों मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत हम विभिन्न विभिन्न विचारकों के संदर्भ में इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम प्रकार्यवादी सिद्धांत में देख लेते हैं। प्रकार्यवादी सिद्धांत, प्रकार इस सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक स्थिरीकरण का समाज में क्या प्रकार है, यानी सामाजिक स्थिरीकरण के फलस्वरूप समाज में सामाजिक स्थिरीकरण समाज के विकास में, उसके संगठन में, उसके व्यवस्था के बनाए रखने में उसका योगदान होता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत विचारकों का कहना है। तो कौन महत्वपूर्ण विचारक आते हैं, या प्रकार्यवाद सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत के जनक कौन कहे जाते हैं, तो वो कहे जाते हैं किंग्सले डेविस को। किसे कहा जाता है, किंग्सले डेविस को, थोड़ा मैं इधर कर दूँ, हाँ, तो मैंने कहा किंग्सले डेविस, सर्वप्रथम इन्होंने प्रतिपादन किया था किंग्सले डेविस, और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, जिसके अंतर्गत प्रकार्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और इन्हें जनक भी माना जाता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली और बार बार पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। हमारी, अब मैं क्वेश्चन पेपर गिना नहीं सकता, एग्जाम किसी एग्जाम में ऐसा ना हो जो पूछा ना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। इसके कुछ महत्वपूर्ण समर्थकों के बारे में जान लेते हैं, तो आपको ये पता चल गया, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा यहाँ पे, प्रकार्यवादी सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता दिया कि आपके एग्जाम में जो आता है। प्रकार्यवादी यानी ये प्रकार के संदर्भ में बताते हैं, प्रकार यहाँ पे योगदान से आशय होता है, एक सामान्य अर्थ में अगर समझे तो योगदान से, सामाजिक स्थिरीकरण का सामाजिक व्यवस्था में को बनाए रखने में क्या उसका योगदान है, तो उसके बनाए रखने में उसका योगदान महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण बताने वाले किंग्सले डेविस हैं। तो इस प्रकार प्रकार ये बता रहे हैं सामाजिक स्थिरीकरण का। समर्थक, पार्सन्स, पैरेटो, स्पेंसर, दुर्खीम, मेलिनोस्की, ब्राउन, ये सब सारी चीज़ें बताते हैं। अब कुछ हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें विचार, विचार में इनका विचार क्या था, असमानता सामाजिक स्थिरीकरण और व्यवस्था हेतु आवश्यक,
ये इनका विचार था कि जो असमानता और जो स्तरीकरण है वो व्यवस्था हेतु तो आवश्यक होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे तो लिखा है मैंने पहले ही, मैंने आपको तो बता दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सॉरी, तो अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रकार्यवादी के बाद, हमारा कौन सा आता है, इसी के अंतर्गत ही देखिए कुछ हम विचारकों को लाए हैं जिनके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा। तो इन्होंने जैसे कि समाज की बुनियादी जो आवश्यकता है, यानी जो व्यक्ति की समाज है, समाज में जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की जो बेसिक जो नीड्स है, उस वो ही क्या करती है, समाज में स्तरीकरण को जन्म देती है। इसका क्या अभिप्राय है, यानी समाज में व्यक्ति की जो बुनियादी आवश्यकता क्या हो सकता है, सिंपली आप रोटी कपड़ा मकान आप बोलते हो, ठीक है, तो ये बुनियादी आवश्यकता है। इस यही आवश्यकता को व्यक्ति फुलफिल करने के लिए क्या करता है, यही उसके जो क्रियाकलाप होते हैं वो स्तरीकरण को जन्म देते हैं। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट इसलिए मैंने लिखा इसको, ठीक है। पार्सन्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है प्रकार्यवाद में, अपने संदर्भ में प्रकार्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत आपको समर्थकों को रटे रहना है। समर्थक पूछा जाता है कि प्रकार्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन से विचारक नहीं आते हैं या कौन कौन से आते हैं इसमें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। पार्सन्स के अनुसार समाज में पद महत्वपूर्ण होता है, तो पद महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये मूल्यों एवं लक्ष्यों पर निर्भर करता है। देखिए अगर मैं चाहता तो पार्सन्स की पूरी डेफिनेशन लिख देता, लेकिन डेफिनेशन लिखने का मतलब ये नहीं है, लिखने के लिए तो आप बुक बुक पढ़ा हुआ, ढेर सारी बुक पढ़ी हुई है जिसमें आप पढ़ सकते हो, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे शॉर्ट मैंने कर दिया जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। बस आपको यहाँ पे क्या याद करना है, यहाँ पे ये याद करना है अगर सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत पद पूछ रहा है, पद महत्वपूर्ण है, और वो मूल्यों और लक्ष्य, अगर ये पॉइंट आता है, ये वर्ड आता है, तो तुरंत आप समझ जाना कि पार्सन्स जी कह रहे हैं, और ये स्टेटमेंट आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, पार्सन्स क्या, मैं सामाजिक स्तरीकरण समझा चुका हूँ, अब मैं समझा रहा हूँ कि आप कैसे पहचानोगे किसी थिंकर के अकॉर्डिंग। पार्सन्स के अनुसार समाज में पद महत्वपूर्ण है और ये मूल्यों और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। पैरेटो के अनुसार देख लेते हैं, विविधता एवं भिन्नता, यानी सामाजिक स्तरीकरण का अभिप्राय इन्होंने क्या बताया, विभिन्नता और भिन्नता, और जो क्या उत्पन्न करता है, स्तरीकरण समाज में उत्पन्न करता है। देखिए मैंने शॉर्ट लिखा है लेकिन मैंने डिटेल बोल दिया है, आप लिख सकते हो जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, स्पीड को आप स्लो करके, साइड में स्पीड का होता है ऑप्शन, आप उसमें लिमिटेशन कर सकते हो। तो पैरेटो के अनुसार विविधता एवं भिन्नता, और ये क्या उत्पन्न करता है समाज में, स्तरीकरण उत्पन्न करता है, ये ऐसा स्टेटमेंट आता है। तो पैराडॉक्स समझिए, चलिए हम थोड़ा अब संघर्षवादी सिद्धांत में देख लेते हैं। संघर्षवादी सिद्धांत में जैसा कि आपको सबको पता है मैक्सिमम मैक्सिमम कि संघर्षवादी सिद्धांत, ये इस सिद्धांत के अंतर्गत लोगों का बताना है, या जो विचारक हैं इसके अंतर्गत, इसके समर्थक हैं, विचारक हैं, उनका कहना है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या करता है समाज में, संघर्ष उत्पन्न करता है। और समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है, तो संघर्ष उत्पन्न होता है जब चीज़ों को लेकर, जब चीज़ों को लेकर व्यक्ति व्यक्ति में क्या होती है, असमानता उत्पन्न होती है, यानी व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति व्यक्ति के